तो अभी काफी सारे मेनबोर्ड आईपीओज ओपन है अप्लाई करने के लिए और इनमें जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसके प्रीमियम में भी लगातार अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन अपडेट और प्रीमियम पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ और काफी ज्यादा जबरदस्त आईपीओ और काफी चर्चित आईपीओ है। दोस्तों ये आईपीओ 22 से 24 नवंबर के बीच ओपन है। अप्लाई करने के लिए ₹500 में आपको एक शेयर मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अपडेट की, तो दूसरा दिन तक अगर देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ करीबन 11.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और ओवरऑल करीब 15 गुना सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला है। दोस्तों अगर देखा जाए प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम ₹390 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी ₹500 का ये शेयर करीब ₹390 के प्रीमियम के साथ ₹890 में लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 80% का प्रीमियम यहां पर मिलने की संभावना है। और शुरू से ही आपको बोला गया है कि इस आईपीओ में आपको निश्चित रूप से जितने आपके पास अकाउंट है मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट आईपीओ का नाम है फ्लेयर राइटिंग लिमिटेड कंपनी का आईपीओ। दोस्तों ये कंपनी आपने जरूर सुनी होगी, इसके पेन वगैरह आते हैं जो राइटिंग मटेरियल है वो इसका आता है। ये आईपीओ 22 से 24 नवंबर के बीच ओपन है। अप्लाई करने के लिए ₹304 में आपको एक शेयर मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इसके सब्सक्रिप्शन अपडेट की, तो दूसरे दिन तक ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में करीब 7.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर देखा जाए यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की, तो 6.47 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। दोस्तों रिटेल का भी दूसरी जो कैटेगरीज है उसमें थोड़ा कम सब्सक्राइब हुआ है, कल के दिन आपको और भी ज्यादा इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर प्रीमियम की बात करें तो इसमें प्रीमियम करीब ₹73 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीब करीब ये जो आईपीओ ₹304 का है करीब करीब 25% का प्रीमियम आज के दिन इसमें चलता हुआ नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है और दोस्तों ये राइटिंग मटेरियल सब कोई जानता है और पेन वगैरह सब कोई यूज भी करता है, तो अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको और भी ज्यादा मुनाफा इस कंपनी में मिलता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ये आईपीओ है 22 से 24 के बीच, ये भी ओपन है। अप्लाई करने के लिए ₹140 में आपको शेयर मिलने वाला है। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन अपडेट की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला नहीं है। रिटेल कैटेगरी में 1.30 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और ओवरऑल 0.92 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कल हालांकि ये पूरा भर जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ डिमांड देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इसका प्रीमियम कुछ भी नहीं चल रहा है, जीरो प्रीमियम दिखा रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भले ही ये अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रीमियम मिलने की संभावनाएं कम है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए भी कम सब्सक्राइब हुआ है क्योंकि एक साथ 4-5 आईपीओ ओपन है और जो दूसरे आईपीओ है उनमें ज्यादा प्रीमियम मिलने की संभावना है, इसलिए लोगों ने इसमें यहाँ पर कम अप्लाई किया है, ये भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं या लिस्टिंग के बाद भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बट प्रीमियम के लिए मुझे लगता है कि इस आईपीओ को आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है गांधार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड का आईपीओ। और दोस्तों ये आईपीओ 22 से 24 के बीच ओपन है। अप्लाई करने के लिए ₹169 में आपको एक शेयर मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 18 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है और टोटल सब्सक्रिप्शन 15.5 गुना से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें भी जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। दोस्तों प्रीमियम की अगर बात की जाए तो ₹169 का ये जो शेयर है जो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर करीब ₹73 का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो प्रीमियम है करीब करीब 40% के आसपास देखने को मिला है, यानी लिस्टिंग के दिन तो अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके फाइनेंशियल काफी जबरदस्त है, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा मुनाफा ये आईपीओ देता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है इरेडा का आईपीओ। दोस्तों ये आईपीओ आज तक ही ओपन था, यानी 21 से 23 तक ओपन था। अप्लाई करने के लिए ₹32 में आपको एक शेयर मिलने वाला है। और दोस्तों सब्सक्रिप्शन अपडेट की बात करें तो जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 7.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसमें करीब 38.80 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं क्यूआईबी कैटेगरी में 104 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि जबरदस्त डिमांड इस आईपीओ में है। और ₹32 का यह शेयर है और प्रीमियम अगर देखा जाए तो ₹10 के आसपास चल रहा है, यानी कि ₹32 का यह शेयर ₹42 में लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों करीब 33% के आसपास प्रीमियम इसमें देखने को मिल रहा है।
दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एजेंसी है और मिनी रत्न कंपनी है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस आईपीओ में आप इस शेयर में आपको जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। और इस प्राइस से जो ये इशू हो रहा है, मुझे लगता है इससे भी ये कई गुना होता हुआ लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2 से 3-4 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट इस शेयर में होता हुआ आपको नजर आ सकता है। लिस्टिंग पर तो आपको गेन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा ही, लेकिन मेरा मानना है कि इस शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आईपीओस की अपडेट थी, आपको कौन सा आईपीओ पसंद है, आप कौन कौन से आईपीओस में अप्लाई कर रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर